जानकी बाबू के नेतृत्व में कांग्रेस पर काम कर रही थी, जयदेव जेना रहे, तब से आप सब लोगों का संपर्क रहा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 12 साल बाद फिर से इस उड़ीसा के प्रदेश कांग्रेस भवन में मुझे आने का अवसर मिला। बहुत बहुत आभार। 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और यदि आप देखेंगे कि जिस आशा और उम्मीद के साथ इस देश के लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री पद पर चुना, उन्होंने वादे किए थे अर्थव्यवस्था सुधारेंगे, भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, रोजगार देंगे, लेकिन पिछले 6 साल में नोटबंदी से उन्होंने कहा था कि हम आतंकवाद समाप्त कर देंगे, भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, फेक करेंसी बंद कर देंगे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और आज सबसे ज़्यादा फेक करेंसी कहीं किसी नोट की है तो 2000 रुपए के नोट की है, जिसमें कि 46% ऑफ द फेक करेंसी इज ऑफ द 2000 रुपी नोट्स। उसी के प्रकार आप देखेंगे GDP गिरती जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ नहीं है, नेगेटिव ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट देने के बजाय एम्प्लॉयमेंट छीना जा रहा है, PSUs के जो लोग रोजगार में थे उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। BSNL से लगभग 70,000 लोगों को निकाला गया है और अभी कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी लगभग 1,00,000 लोगों को रिट्रेंचमेंट के लिए उनकी तैयारी है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था तो बिगड़ी रही है, लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार जहां रोजगार नहीं मिल रहा है, ग्रोथ नहीं है, वहीं महंगाई बढ़ती जा रही है। और महंगाई का भी हाल यह है कि चाहे प्याज हो, चाहे दाल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे तेल हो, पूरे तरीके से लोग परेशान हैं। और स्वाभाविक है कि जब लोगों में नाराजगी होती है, गुस्सा होता है तो ध्यान बांटने के लिए नए शहरों में छोड़े जाते हैं। धारा 370 हटाई कश्मीर से, कहते हैं कि शांति है, लेकिन आज भी 3 भूतपूर्व मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं। भारत के संसद सदस्यों को कश्मीर में जाने से मनाही है, राहुल गांधी जी को एयरपोर्ट से वापस लौटा दिया गया, लेकिन विदेशों से संसद सदस्यों का दौरा कराया जाता है, डिप्लोमेट्स का दौरा कराया जाता है। और अब पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों को जम्मू कश्मीर का दौरा कराया जा रहा है, लेकिन भारत के संसद सदस्यों को दौरा करने की इजाजत नहीं है। अभी एक जम्मू कश्मीर के DYSP गिरफ्तार हुए, जिनके साथ 3 घोषित आतंकवादी गाड़ी में बैठे थे और उन्हें दिल्ली लाया जा रहा था। ये वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में अफजल गुरु ने अपने बयान में कहा था कि मुझसे देवेंद्र सिंह ने कहा था कि इस व्यक्ति को आप दिल्ली में मकान किराए पर दिलवा दीजिए और साथ में
उनको एक गाड़ी भी खरीदवा दीजिए। तो अफजल गुरु ने उस व्यक्ति को मकान किराए पर भी दिलवाया और गाड़ी भी दिलवाई, और उसी गाड़ी से वो संसद के अंदर उन्होंने प्रवेश किया और जो कुछ घटना हुई आप देख रहे हो। देवेंद्र सिंह से संबंधित व्यक्ति भी जिसको किराए पर मकान दिलाया गया था गाड़ी दिलवाई, वो भी संसद के फायरिंग में आतंकवादी मारा गया। एक उसके बाद उस व्यक्ति को प्रमोशन मिलता है। उसके बाद पुलवामा की जब घटना हो, जब पुलवामा में आतंकवादी हमला होता है तो वही देवेंद्र सिंह वहां पदस्थ है, और अब वही देवेंद्र सिंह उसको जेएनके सरकार की तरफ से राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए, और वही अब तीन आतंकवादियों के साथ जिसमें ग्रेनेड्स AK-47 हथियारों के साथ पकड़ा जाता है। अब ये जांच जो है NIA को सौंप दी गई है। NIA के डायरेक्टर कौन है? आसाम कादर के YK मोदी, जो कि गुजरात के ही रहने वाले हैं, और इन्हीं ने नरेंद्र मोदी जी को 2002 के राइट्स में क्लीन चिट दी। यही YK मोदी हैं जिन्होंने अमित शाह को सोहराबुद्दीन केस में क्लीन चिट दिलवाई। यही YK मोदी हैं जिन्होंने कि आतंकवाद से बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर जो लोग गिरफ्तार थे स्वामी असीमानंद और अन्य व्यक्ति, उनको भी क्लीन चिट दिलवाने में इनका योगदान रहा। अब उन्हीं व्यक्ति को देवेंद्र सिंह की जांच का भी जिम्मा सौंपा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। देवेंद्र सिंह को कैसे इससे बचाया जा सके, मेरा ये आरोप है केंद्र सरकार पर कि देवेंद्र सिंह को बचाने के लिए ही NIA के डायरेक्टर को YK मोदी को ये काम सौंपा गया है। छात्रों का आंदोलन पूरे देश में अब चल गया है। JNU की जो घटना है वो आप देख रहे हैं। यही नहीं है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में भी इसी प्रकार की घटना हुई, जहां बाहर के स्टूडेंट्स को, बाहर के कुछ लोगों को अंदर घुसते घुसाकर वाइस चांसलर की सहमति से सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड वाइस चांसलर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ के छात्रों के साथ मारपीट उसी तरह से वहाँ भी की गई विश्व भारती में जिस प्रकार के JNU में हुई थी। गर्ल्स हॉस्टल में जाते हैं, मारपीट होती है, मारपीट हो जाने के बाद केस उन्हीं पर लग जाता है जिनकी पिटाई हुई है। आज तक FIR जिन लोगों ने हॉस्टल में घुसकर मारपीट की उनके ऊपर ना कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी, और आज तक ने इस बात को खुलासा किया कि कौन व्यक्ति उसमें शामिल था। अवस्थी शामिल था, कोमल शर्मा उसमें शामिल थी। पूरे देश में अशांति का वातावरण फैला हुआ है। नवीन बाबू को उड़ीसा के से लेना देना और किसी से लेना देना नहीं है, तो यही समझ में नहीं आता कि वो BJP के साथ है कि BJP के विरोधी है, समझ से हम लोगों के परे है। और बहुत दिनों से मैं यहाँ से परिचित नहीं रहा हूँ, लेकिन सुनते रहते हैं आपके उड़ीसा के मेंबर पार्लियामेंट हमारे दिल्ली में मिलते रहते हैं, बताते हैं एक बहुत सर्वशक्तिमान पंडित जी यहाँ पर हैं जो कि पूरे सरकार को चलाते हैं। वाकई में कोई भी ब्यूरोक्रेट इतना मजबूत हो सकता है इसका तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। और उन्होंने 5T के सेक्रेटरी हैं, और जिसमें कि पूरी सरकार उसके अंदर शामिल हो जाती है उन 5T के अंदर। लेकिन ये भी एक अजीब बात है कि दिल्ली में वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल का समर्थन करते हैं,
लेकिन यहाँ पर एनपीआर और एनआरसी का विरोध करते हैं। नवीन बाबू भले व्यक्ति हैं और आपको उनसे ज्यादा परिचय है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन धीरे धीरे जो लोगों ने बीजेपी में उनको समर्थन दिया वो धीरे धीरे उनसे अलग हो गए हैं, क्योंकि पांड्यन जी ही मुख्यमंत्री का कार्यभार लगभग संभाले हुए हैं। बात साफ है कि इस देश में अशांति का वातावरण फैल रहा है, पूरे देश में आंदोलन चला हुआ है और साथ में पूरे देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। दुख इस बात का होता है कि महात्मा गांधी का 150वीं जयंती मनाई जा रही है और 150वीं जयंती में जिस प्रकार से आज हालात बढ़ते जा रहे हैं, मैं कहता हूं कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल की लाने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि किसको नागरिकता देनी ये अधिकार केंद्र सरकार का है, उसके नियम है, कानून है।